नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। टूटेगा लॉकडाउन को लॉक या रहेगी सख्ती, 31 मई के बाद की रणनीति पर मंथन जारी। पुलवामा में सेंटर की हुई पहचान, सोपिया के रहने वाले हिजबुल आतंकी की थी कार। विदेश से लौटी गर्भवती महिला को अपार्टमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिली एंट्री, कोख में ही बच्चे की मौत। सुस्त इकोनॉमी के बावजूद FDI में 13% की तेजी, $50 अरब का निवेश। टिड्डियों के छुटकारे के लिए ब्रिटेन से आएंगे स्प्रे, हेलीकॉप्टर से होगा छिड़काव। नोएडा के DM की सलाह, टिड्डी दल आने पर सभी मिलकर शोर मचाए ग्रामीण। लॉकडाउन 5.0 पर मंथन, अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की 5 एकड़ जमीन पर UP सुन्नी वक्फ बोर्ड का होगा नियंत्रण। अलीगढ़ के अतरौली में FB पर पाकिस्तान समर्थित पोस्ट पर 2 लोगों पर केस। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर के 3 मंजिला स्टोर में लगी आग। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून 8 जून को पहुंच सकता है महाराष्ट्र। मौसम विभाग का अनुमान, प्री मॉनसून गतिविधियां 30 मई से शुरू होने की संभावना। त्रिपुरा में बांग्लादेश से लौटे 129 लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के टिकरा कला गांव में 1.5 साल की बच्ची की क्वारंटीन सेंटर में मौत। 7वीं कक्षा के बच्चे ने बनाया रोबोट, बिना संपर्क के दवाइयां और खाना डिलीवर। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार, संसद की मंजूरी मिलते ही होगा लागू। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि तलाकशुदा बेटी को क्यों नहीं मिलना चाहिए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का लाभ। टिड्डी दल के हमले से बर्बाद हुई 90,000 हेक्टेयर हरियाली, UN ने दी दूसरी लहर की चेतावनी। केरल में राज्यसभा सांसद और मातृभूमि समूह के MD वीरेंद्र कुमार का 84 साल की उम्र में निधन। सरकार ने तत्काल प्रभाव से पैरासिटामोल API के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया। UP में पुलिस और पशु तस्करी के बीच चली गोली, 2 घायल, गोमांस बरामद। लोकसभा अध्यक्ष ने 15 सांसदों को परिसीमन आयोग के सहयोगी दल के रूप में नामित किया। भारत ने राम मंदिर निर्माण की शुरुआत को लेकर पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज किया। पुलवामा IED साजिश पर बड़ा खुलासा, आतंकियों के निशाने पर थे CRPF के 4 जवान। मई में अब तक 91 लाख मजदूरों को किया जा चुका है शिफ्ट, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी।